हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शाहीन बाग का मुद्दा खूब उछल रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर सुसाइड बॉम्बर का जत्था बताया था। उनके इस ट्वीट पर एबीपी न्यूज ने बात की है, तो सुनिए क्या कह रहे हैं गिरिराज सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, आपने ट्वीट किया और कहा कि शाहीन बाग में दरअसल ये आंदोलन नहीं है बल्कि सुसाइडल बम तैयार हो रहे हैं, क्या है आधार इसका, मतलब कैसे आप ये बात कह रहे हैं? पता नहीं, आप मीडिया कर्मियों को तो आनंद आता है चटपुटे में कि जरा कैसे हो, क्या ये आधार आपने कभी इसको विपक्ष के नेताओं से पूछा कि ये सीएए का आंदोलन है क्या, सीएए के विरोध में है क्या? सीएए नागरिकता देने का है, लेने का नहीं है, तो फिर क्यों ऐसा आंदोलन? और वहां महिलाएं की आवाज निकल रही है, क्या निकल रहा है करबला के मैदान में, क्या निकल रहा है? मैं अपने बच्चों को केवल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नहीं पढ़ाता, करबला के मैदान भी भेज जाने की ट्रेनिंग देता, चेतावनी देती, बच्चे जहर उगल रहे हैं। बच्चों की भाषा आप सोशल मीडिया पर देखें, वो जहर क्या है, उनके अंदर घृणा फैला करके, और वो जहर सुसाइडल क्या होता है, वो उसी से एक अनपढ़ नहीं IIT PhD शर्जिल इमाम देश को तोड़ने की बात करता हो, वहां पर बैठ करके इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करता हो, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र कहते हो कि जो हमसे टकराया है वो बर्बाद हो जाएगा, और हमारे विपक्ष के लोग उनके साथ वोट की लालच में खड़े हो रहे हैं, और केजरीवाल साहब को के पार्टी को PFI एक किताब दे रहा है। वो किताब क्या है, उसमें कह रहा 1947 में क्या होगा, जो शर्जिल इमाम बोल रहा है शाहीन बाग से, वही PFI कह रहा है, वही PFI शाहीन बाग में 5-5 दफ्तर खोल लिया है। ये हमारे कांग्रेस के मित्र, हमारे आप के नेता जो उनके समर्थन में खड़े हैं, इतना तुष्टिकरण में लग गए हैं कि ये चाह रहे हैं कि वोट की लालच में देश टुकड़े टुकड़े में हो जाए। यही तो सुसाइडल बम है, ये खिलाफत आंदोलन पार्ट 2 है, जो आजादी के पहले हुआ था, अजिन्ना ने जिसको देश तोड़ने का काम किया, ये खिलाफत आंदोलन पार्ट 2 है। सर, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि सरकार आपकी, आप लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए, पुलिस आपकी है। बड़ी अच्छी बात, अरविंद केजरीवाल जाएं, जरा चाय भी पियेंगे, खांसी भी ठीक हो जाएगी। जो अरविंद केजरीवाल जहर बो रहे हैं इस दिल्ली के अंदर, इमामों को 18,000 रुपया तनख्वाह, 16,000 सहायक को, 9,000 उनके मेंटेनेंस के लिए, और शर्जिल इमाम का समर्थन कर रहे हैं, उमर खालिद के ऊपर अभी तक कुंडली मार के बैठे हैं, उनका जवाब दे, किससे जवाब मांगते हैं? वो अरविंद केजरीवाल पहले अपने अंदर जवाब दें कि कार्रवाई कब करेंगे। मानते हैं दिल्ली का मुद्दा भी यही है? मुद्दा का सवाल नहीं है जी, चुनाव तो 8 तारीख को खत्म हो जाएगा, सवाल है कि देश रहेगा तब तो ये चुनाव होगा। आज पाकिस्तान में जाए ना कोई डेमोक्रेटिक भाषा बोल के देखे, आज देश को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात है, आप इसे चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2, शनिवार रात 10 बजे।